ये दो बेटा समतल दर्पण है, ठीक है, और इनके बीच में आप कोण को घटा और बढ़ा सकते हैं। हमने किसी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या निकालनी है कि वो कोण के ऊपर कैसे निर्भर करती है। क्या समतल दर्पण के बीच में कोण को घटाने पर प्रतिबिंबों की संख्या बढ़ती है, वो आपको मैंने फार्मूला में बताया है, 360 डिग्री बटा में दो समतल दर्पणों के बीच में कोण माइनस में एक। तो हम क्या करते हैं, हम इनके बीच में जो है 90 डिग्री का कोण करते हैं। तो ये हमारा 90 डिग्री का कोण हो गया है, क्योंकि 30 डिग्री 30 डिग्री और 30 डिग्री, और इसके बीच में हमने एक बोतल रख दी है। तो अब आप इसके अंदर देख सकते हो कि इस वस्तु के आपके कितने प्रतिबिंब बन रहे हैं। तो एक तो ये वस्तु खुद हो गई, और तीन आपको इसके अंदर इसके प्रतिबिंब बनते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके बीच में कोण को और घटाते हैं। तो कोण अब हमने कर दिया 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का जैसे ही आप कोण करते हैं, तो आप देखिए कि इसके अंदर कितने ज्यादा प्रतिबिंब आपके बन रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो आपके पास एक फार्मूला भी है, 360 बटा में कोण कितना है 60 डिग्री को। तो 60 ऊपर 360 डिग्री से काटोगे तो 6 6 माइनस 1 5 आएगा बेटा आपका। तो 5 आपका जो है प्रतिबिंब इसके अंदर बढ़ेंगे। कोण थोड़ा सा आप एग्जैक्ट कर लेंगे ना इसके बीच में, तो आपके कितने बनेंगे, 5 ही बनेंगे। अब आप इसके बीच में कोण को और घटा दीजिए, वस्तु को बीच में रखेंगे। अब हमने कर दिया कोण 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का कोण करने के बाद फार्मूला लगाओ, 360 बटा में 30 कितने में गया, कितने में गया बेटा, 360 बटा में 30 12 पे गया, और 12 माइनस 1 11 प्रतिबिंब आपके प्रतिबिंबों की संख्या कितनी नजर आ रही है लगभग आपको, अगर देखो बेटा, देखो शाबाश, चलिए बेटा सभी बच्चे देखो, मनीष भी देखेगा। तो जैसे आप कोण को घटाते हो प्रतिबिंबों की संख्या बढ़ जाती है। अब आप क्या करोगे, कोण को और घटा देते हैं, ठीक है, इस कोण को थोड़ा हम और घटाते हैं। आप वस्तु को मत देखिए बेटा, आप कोण को थोड़ा और कम कर देते हैं इसके अंदर, आप देखो बेटा। तो अगर आप जैसे जैसे कोण को घटा रहे हो, अब आप देखो कितने सारे बन रहे हैं, इसके कितने बन रहे हैं, ऐसे लग रहा है पूरी पूरी फैक्ट्री लग गई है। एक समतल दर्पण का और रहेगा, उसके लिए हमें क्या चाहिएगा बेटा, दोनों के बीच में अगर कोण 0 डिग्री हो तो हमारे प्रतिबिंब अलग बनते हैं, उसके लिए हमें एक समतल दर्पण और चाहिए। फिर कभी जैसे ये करेंगे और कम करने से, और तुमसे बड़ा पकड़ नहीं सकते ना, हमें एक दर्पण और लाना पड़ेगा जो उसके हम बिल्कुल सामने रख देंगे। तो जैसे जैसे हम कोण को घटाते हैं तो समतल दर्पण के बीच तो प्रतिबिंबों की संख्या आपकी बढ़ती है। फॉर्मूला है 360 डिग्री बटा में क्यू माइनस एक, जहाँ पर क्यू क्या है, क्यू जहाँ पर दो दर्पण के बीच का कोण है, तो n बराबर 360 डिग्री बटा क्यू माइनस एक, इससे आप प्रतिबिंबों की संख्या को निकाल सकते हैं।